मध्य प्रदेश जिला मुरैना की एस चौराहे पर मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान कई स्कूली बसों को चेक कर बसों का चालान किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के 15 निर्देश ऐसे हैं जो बच्चों की स्कूल बसों पर लागू होते हैं। डीएसपी ट्रैफिक कनौवा का कहना है कि माननीय न्यायालय के निर्देश पर समय समय पर चेकिंग की जाती है। ट्रैफिक सुधार के लिए हम समय समय पर चेकिंग कर सुधार का प्रयास करते हैं। कौन सी गाड़ी पकड़ी? माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर एवं तहसील मुख्यालयों पर माननीय न्यायालय के द्वारा मोबाइल फोन चेकिंग की गई थी, जिसमें विशेष रूप से स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। स्कूली वाहनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, इसमें 15 बिंदुओं पर कार्रवाई की जाती है समय समय पर। उन्हीं के संबंध में कार्रवाई की गई थी, जैसे बच्चों की सुविधाओं के लिए उसमें सीटिंग प्रॉपर है क्या, बच्चे निर्धारित संख्या से अधिक तो नहीं बैठे हुए हैं क्या, उसमें अग्निशमन यंत्र है क्या, उसमें स्पीड गवर्नर लगा हुआ है क्या, आग बुझाने का साइन है क्या। इस प्रकार के जो 15 निर्देश हैं उस संबंध में समय समय पर माननीय न्यायालय के द्वारा चेकिंग की जाती है। उसी तारतम्य में आज चेकिंग की गई है। अभी जिले की चेकिंग का आंकड़ा हमारा उपलब्ध नहीं हुआ है, शाम को 8:30 बजे तक आंकड़ा आ जाता है। जिला मुख्यालय पर करीब 20 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सर, मजिस्ट्रेट चेकिंग के अलावा जैसे जो स्कूली बसें हैं तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी क्या देखा गया है, क्या पाया गया है कि ये 15 जो निर्देश दिए गए हैं ये उपलब्ध हैं सारी गाड़ियों में, जो भी गाड़ियाँ चल? बिल्कुल, आपका कहना सही है। अभी आरटीओ के साथ पुलिस और आरटीओ की संयुक्त रूप से 3-4 बार कार्रवाई की गई है। उसमें कई वाहनों के फिटनेस निरस्त किए गए हैं, जो वाहन बच्चों के हिसाब से थे नहीं आए उनमें कुछ कमियाँ पाई गई थी, आरटीओ के द्वारा उसमें फिटनेस निरस्त किए गए हैं। पुलिस उनके साथ कार्रवाई की जाती है। पूर्व में भी मेरे द्वारा आरटीओ के साथ और पुलिस कहता है उसके द्वारा सेपरेट भी कार्रवाई की गई है, जिसमें जितनी कमियां थी उन गाड़ियों के चलन बनाकर आरटीओ में पेश किए गए थे। आरटीओ के द्वारा उन पर अत्यधिक अर्थदंड करीब 20,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक दंड किया गया था, जिससे उसमें काफ़ी सुधार परिलक्षित हुआ है। यातायात पुलिस के द्वारा स्कूली वाहनों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रही। सर, आज के दिन में कितना शुल्क वसूला गया? शुल्क का आंकड़ा भी क्लियर नहीं है। माननीय न्यायालय के द्वारा आज अलग अलग वाहनों पर अलग अलग आंकड़े रहे, फिर भी करीब 20-25,000 का जो आंकड़ा है, जो मुख्यालय का है, जिले का आंकड़ा करीब लाखों में जाएगा, जो शाम तक हमारा क्लियर हो जाता है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। मुरैना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कुछ गाड़ियाँ आज पकड़ी गई हैं, ऐसा कुछ चालान हुआ है, कोर्ट चालान या? बिल्कुल, आपका कहना सही है। मुरैना शहर में यातायात पुलिस के द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। आए कुछ ऑटो लोडिंग गाड़ियां हैं, जो 7 गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। शहर के एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर यातायात अवरुद्ध होता था, एक आमजन के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी।